तो जंगल सेफ तो बिल्कुल नहीं है। जाते समय हमने बिल्कुल नोटिस नहीं किया था ये, पर आते समय ये देखिए। तो आज हमने दिन की शुरुआत की है शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करके। तो अभी दर्शन हो गए हमारे और बैग उठा के हम लोग निकल पड़े हैं हमारे अगले सफ़र के लिए। और अब हम जाने वाले हैं एक बार फिर से महादेव की नगरी में। तो मंदिर से कुछ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है शिरडी का बस स्टैंड। तो भीमा शंकर के लिए यहाँ से कोई डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। हमने इंक्वायरी से कंफर्म किया तो पता लगा कि यहाँ से मंचर जाना पड़ेगा और मंचर से भीमा शंकर की गाड़ी आपको मिल जाती है। तो गाड़ी हमारी आएगी 11:30 को और फिर यहाँ से हम निकलेंगे मंचर के लिए और मंचर से हम गाड़ी चेंज करेंगे भीमा शंकर के लिए। सो अभी वेट करना है गाड़ी का कि कब आए और कब यहाँ से हम निकलेंगे। तो हमारी बस आ चुकी है। शिरडी से मंचर हम लोग पहुंच गए हैं और यहां पर पहुंचने में जो टाइम लगा ना पूरा 4 घंटा और इसके लिए 1% जो रोडवेज बस में हमें किराया लगा वो 310 रुपये। तो मंचर से हमारी गाड़ी चलती है 1-1 घंटे के बाद। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और ये पुणे से डायरेक्ट आती है। तो अगर आप पुणे वाली साइड से आ रहे हैं तो पुणे से आपकी डायरेक्ट गाड़ी मिलती है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो फाइनली हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए। यहां तक बस में हमें पहुंचने में टाइम जो लगा वो पूरे 2 घंटे और इसके लिए हमने जो चार्ज किए 1% 95 रुपये यानी कि 95 रुपीज़। सो अभी हम टेंपल वाली साइड जा रहे हैं और टेंपल जो बस स्टैंड से है वो 500 मीटर की दूरी पे है। हमने यहाँ पर रूम ले लिया है। तो सामने की तरफ है कॉमन लेट बाथ और ये है हमारा 2% रूम जिसमें लगे हैं 2 छोटे खाट। आज रात के लिए रूम तो हमें ले लिया और रूम पड़ा हमें 400 रुपये और मंदिर के बिल्कुल पास में। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। हम आरती के साथ पहुँचे हैं अभी दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। भीमाशंकर महादेव के दर्शन करने के बाद तो अभी हम खाना खाने के लिए आए और यहाँ पर भाई ये महाराष्ट्र की अब तक की हमारी सबसे महंगी थाली है 150 रुपये की। खाना खाते हैं और बताते हैं। सो खाना फिनिश अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। सो यहाँ पर खाने के ऑप्शन है ना मतलब कि थोड़ा दूर है और खाना भी इतना कुछ खास नहीं है। सो खाना फिनिश करके रूम पर पहुँचते हैं और मिलते हैं कल सुबह। तो आज भीमाशंकर में हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे द्वारा बनाई गई एक बढ़िया सी चाय के साथ क्योंकि हम चाय अच्छी बनाते हैं। तो अभी चाय तैयार हो रही है चाय पीते हैं और फिर नहाते हैं और फिर निकलते हैं दर्शन के लिए। और अभी हम पहुंचे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर सुबह सुबह भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है। तो दिन के समय यहाँ दर्शन करने में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो रात में हमने मंदिर के पास खाना खाया था और दिन में देखिए सो ये भाई खाना 100 रुपये प्लेट है और रात वाले खाने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो हमने दिन का खाना यहाँ पर खाया है होटल विश्वा में और यहाँ का खाना अच्छा है और प्लेट का प्राइस है ना वो सिर्फ 100 रुपये। और इस तरफ माता का मंदिर है तो दर्शन करके आइएगा। फिर हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ ट्रैक करने के लिए। सो यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है गाड़ियाँ वाड़ियाँ मिल जाती है लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। सो हम ट्रैक करके जाएंगे। आप बाइक पर आ रहे हो या फिर 4-व्हीलर सो अपनी गाड़ी पर जा सकते हो। हम हमारे 2 दुपहिया वाहन पर जा रहे हैं दोनों पैरों का यूज़ करते हुए। सो देखते हैं ट्रैक पे कितना टाइम लगता है। देख सकते हैं कि जंगलों के पीछे वो बीच से निकलते हुए हम पहुंचेंगे हनुमान जी के पास। अभी आधा सफ़र भी नहीं हुआ और बारिश शुरू। तो मंदिर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि अपनी स्पीड थोड़ी स्लो है और बारिश हल्की हल्की हो रही है। बस यही है ऊपर वाले से प्रार्थना कि जो बारिश है वो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा पैर बेचारा मरा पड़ा है और उसी हालत में उसे मैं लेकर चल रहा हूँ और अगर पानी इस पे और गिराना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। सो मैं नहीं चाहता कि बारिश हो। अभी बारिश घाटे का सौदा है बहुत बड़ा घाटे का सौदा। अभी बहुत कुछ 12 ज्योतिर्लिंग तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुए। 9वां ज्योतिर्लिंग आज दर्शन हुए कल 9वें ज्योतिर्लिंग के कल हमारे दर्शन हुए अभी 3 ज्योतिर्लिंग और पड़े हैं और
उसके बाद अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, तो बहुत कुछ करना है और वो भी इसी पैर के अंदर है। अपने पास इतना पैसा नहीं है कि यार पैर चेंज करवाएं। अभी इसका जो कॉस्ट है ना वो कुछ 80-85 हज़ार रुपये बोल रहे हैं कि आपकी जो जॉइंट है उसको चेंज करवाना है तो 80-85 हज़ार रुपये लगेंगे, अभी नहीं करवा सकते। तो आज यार भोले बाबा हमारी फुल सुन रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी और अभी धूप निकल के आ चुकी है मस्त वाली। तो आगे का ट्रैक देखिए कितना प्यारा है यार। सो अगर आप जब भी भीमाशंकर महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं तो ये 2 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक करने के बाद आपको दर्शन करने को मिलते हैं हनुमान जी के। यहाँ पर हमें 2 बाइक वाले मिले और एक बाबाओं से भरी गाड़ी, इसके अलावा कोई नहीं मिला, पूरी शांति। सो ट्रैक बहुत प्यारा है और ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है ना भाई, गर्मी के अंदर ठंडी ठंडी हवाओं का एक अलग ही मजा है। अभी हम हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में देखिए बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पर देखिए छोटा सा सांप है भाई। तो जंगल सेफ तो बिल्कुल नहीं है, सामने देखिए लेपर्ड की फ़ोटो भी दी हुई है और हम यहाँ पर एकदम मज़े से आ रहे थे। तो थोड़ा केयरफुली जाना यार इधर, क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है। और अभी जो वेदर हुआ पड़ा ना, अभी तो उसी के आनंद ले रहे हैं। सो अभी हम हनुमान मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। तो कुंड के अंदर वहां पर पानी वाला सांप भी है, एक नहीं वो भी उधर एक पूरा। तो अभी हनुमान जी के दर्शन किए और यहाँ पर देखिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए और बाहर बारिश कितनी तेज हो गई। और यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर कहा जाता है कि अंजनी माता ने यहाँ पर तपस्या की थी। और यहाँ पर जो कुंड बना हुआ है वो 5 पांडवों के द्वारा बनाया गया। मंदिर के पीछे से एक रास्ता जाता है ऊपर जाने के लिए और वहाँ से जो व्यू बनता है वो एक नाग का जो फन होता है वैसा बनता है। सो उसके लिए भी ट्रैक ही था। और अभी जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि मेरे जो पैर है ना वो मेरा साथ नहीं दे रहे यार। सो अभी ट्रैक करना पॉसिबल नहीं था और दूसरा बारिश भी स्टार्ट हो चुकी, तो बारिश की वजह से थोड़ी फिसलन और हम एक्स्ट्रा वाला रिस्क नहीं उठाना चाहते। यहाँ पर बाद में भी आ सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद आज हमें जो भंडारा खाने को मिला ना, सच में भाई इतना मस्त था। खीर तो मेरी फेवरेट है और बनी भी बहुत शानदार थी। वैसे यहाँ पर डेली भंडारा नहीं होता, आज कुछ स्पेशल डे था और स्पेशल डे हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया क्योंकि भंडारा खाने का एक अलग ही मज़ा है। सो अभी खाना पीना हो गया, दर्शन हो गए, अब रिटर्न ट्रैक कंप्लीट करते हैं। जाते समय हमने बिल्कुल नोटिस नहीं किया था ये, पर आते समय ये देखिए पत्थरों के बीच में कुंड टाइप बना हुआ है यार, बिल्कुल मतलब पानी रुका हुआ है। और यहाँ पर 2-3 पत्थर कुछ ऐसे ही हैं, एक किधर हो गया और एक ये वो देखिए। तो जब हम लोग यहाँ इस मोड़ पे पहुँचते हैं ना तो यहाँ से हमें टेम्पल सामने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर आने के बाद भाई आपका आधा रास्ता कवर हो जाता है, यहाँ से 1 किलोमीटर और बचता है। और यहाँ पर ये एक पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का यार, पर यहाँ पर बहुत, ये क्या यार, ये कुछ अलग ही है, बीज है अलग सही। सो जब आपको यहाँ पर गणेश जी की ये मूर्ति दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आगे आपका जो ट्रैक है वो 1 किलोमीटर और बचा है और वहाँ पर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, उसके अंदर पानी भी है। सो भीमाशंकर महादेव के मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं हमारे गणेश जी विराजमान। और जैसे ही हम 2 किलोमीटर दूर देखें तो सामने वो टेंपल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर है हमारे हनुमान जी विराजमान। तो भीमाशंकर अभयारण्य ये वाली गैलरी है ना भाई, इनके लिए फेमस है। तो जब हम भीमाशंकर महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ जाते हैं, रास्ते से एक रास्ता निकलता है इस तरफ जो कि जाता है भीमा नदी के उद्गम स्थान की तरफ। बजरंगबली के दर्शन करके अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस स्थान पे जिसे कहते हैं भीमा नदी का उद्गम स्थान। सो यहाँ से भीमा नदी है, उसका उद्गम यहीं से स्टार्ट होती है भीमा नदी। और यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पर हमारे भोले बाबा विराजमान है और गणेश जी, और वहाँ पर एक मंदिर और है।
तो सभी टेंपल के दर्शन करके अभी हम महादेव की नगरी में फिर से पहुंच चुके हैं, मतलब महादेव की शरण में पहुंच चुके हैं। सो अभी रूम की तरफ जाते हैं और वहां पर कुछ खा पी कर शाम को आरती में शामिल होना है। सो अभी हम हमारे रूम पहुंच चुके हैं। सो आज यार हमारी टाइमिंग बहुत सही है, जब हम ट्रैक कर रहे थे तब बारिश हुई, जब मंदिर पहुँच गए और अभी रूम पर पहुँचे फिर बारिश शुरू। सो आज महादेव हमारे बारे में खूब सोच रहे हैं। सो अभी रूम पे आ चुके हैं और अब हम बनाएंगे भाई गर्मा गर्म चाय। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे यही महादेव की नगरी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।